आज मम्मी का एकादशी का व्रत था। तो वैसे तो मम्मी कुछ भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा लेती है, ज़्यादा नहीं खाती हैं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मम्मी को ना पूरी थाली बना कर खिलाऊँ, बिल्कुल फलाहारी थाली। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मम्मी एकादशी के व्रत में नहीं खाती, जैसे कि वो जीरा नहीं खाती, धनिया पत्ती नहीं खाती, टमाटर नहीं खाती, इवन करी लीव्स भी नहीं खाती है। बस जो जो मम्मी चीज़ें खाती हैं बस वही चीज़ें यूज़ करके फलाहारी थाली बनानी थी। तो सबसे पहले तो मैंने ना साबूदाने भिगो कर रख दिए थे, तो 2 कप साबूदाने लिए थे मैंने। और साबूदाने भिगोने से पहले अच्छी तरीके से धुल लेना होता है ताकि साबूदाने के ऊपर कोई भी स्टार्च की कोटिंग है वो निकल जाए। और फिर जितना साबूदाना है उतना पानी डाल के इसे भिगो कर रख दीजिए करीबन 2 से 3 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे तो और अच्छा। साथ में आलू और शक्करकंदी भी उबालने के लिए रख दी थी। ये सब काम ना मैंने 2-3 घंटे पहले कर दिया था दोपहर में, और फिर शाम को मम्मी के लिए थाली तैयार की थी। तो शाम के करीबन 4 बजे मैं किचन में आ गई थी थाली तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले सोचा कि आज मैं बनाती हूँ सिंघाड़े के आटे की लपसी। तो लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, ये लपसी ना लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर 1/2 कप सिंघाड़े का आटा लिया है, और आटे को ना हमेशा ही हम छान कर लेंगे तो लपसी अच्छी बनती है, क्योंकि हो सकता है ना आटे में कभी कुछ हो तो वो लपसी में अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो आटे को ना आपको ऐसे ही सूखा भून लेना है। जब आटे का ऑलमोस्ट कलर चेंज हो जाएगा फिर उसमें 1 या 2 चम्मच मैक्सिमम हम घी डाल के और भून लेंगे। और देखिए अभी कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है ना। चलिए आटा तो हमारा भून गया है, अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। जितना हमने सिंघाड़े का आटा लिया था उतनी ही इसमें हम चीनी डालेंगे। तो 1/2 कप आटे के लिए 1/2 कप इसमें हम चीनी डाल देंगे, और फिर इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आटे के साथ चीनी डालने से पता है क्या होता है, बाद में ना गुलटियाँ नहीं पड़ती जब इसमें हम पानी डालते हैं। बस अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। लपसी में हमेशा ही 5 गुना या 6 गुना पानी जाता है, लेकिन डिपेंड कर सकता है कि आपका आटा कैसी क्वालिटी का है। कोई कोई आटा काफ़ी ज़्यादा पानी पीते हैं और कोई कोई आटा बिल्कुल पानी नहीं पीते, तो उसमें अगर 5 कप आप पानी डाल देंगे ना तो बहुत गीली हो जाएगी आपकी लपसी। लेकिन जो मैं आटा यूज़ कर रही हूँ ये 5 गुना या 6 गुना पानी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर 6 गुना पानी डाल दिया है, और अब इसे हम मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा क्या भाई ये तो बिल्कुल पानी पानी है, ये कैसे लपसी बनेगी इसकी, कैसे बर्फी सेट होगी इसकी। तो लेकिन देखते जाइए, इसे आपको ना चलाते रहना है, क्योंकि सिंघाड़े का आटा जब देखिए आप कितना बारीक था ना, तो वो ना कढ़ाई में नीचे बहुत जल्दी जलने के इसके चांसेस होते हैं। तो बस इसे चलाना है। और मेरा बेस्ट फ्रेंड विस्क, अगर आप इसकी हेल्प से बनाएंगे ना तो कोई गुलटियाँ भी नहीं पड़ेंगी, और बिल्कुल लम फ्री आपका ये घोल तैयार होगा। देखिए इसमें किस तरीके से बबल्स आने लगे हैं ना। अपना जिस ट्रे में हमें लपसी जमाना है उसमें थोड़ा सा घी लगा के मैं साइड में रख रही हूँ, और ये हमारी लपसी भी जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिकेशन बताऊँ आपको, देखिए थोड़ा सा ना आप ये लपसी का जो बैटर है थोड़ी हाइट से डालेंगे, फिर ये ना टूट टूट के गिरेगा। देखिए सेट हो रहा है, फिर टूट रहा है, सेट हो रहा है, फिर टूट रहा है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है सेट होने के लिए। अब ये पूरा ही लपसी का जो बैटर है ये मैंने एक ना ट्रे में डाल दिया है। अब ट्रे काफ़ी लंबी है और बैटर थोड़ा सा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ना एल्यूमिनियम फॉइल का एक पार्टीशन बना रही हूँ, वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। उससे क्या होगा ना, आपका बैटर पूरी थाली में नहीं फैलेगा, और थोड़ी मोटी आपकी लपसी बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि पतली पतली भी लपसी ना देखने में नहीं अच्छी लगती है। आप जितनी देर में हमारा बाकी की चीज़ें बनेंगी ना उतनी देर में हमारी लपसी भी सेट हो जाएगी। चलिए सबसे पहला काम, आलू यहाँ पर हम छील लेते हैं। आलू और शक्करकंदी मैंने दोनों ही यहाँ पर छील लिए हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमें आगे लगने वाली हैं फलाहारी थाली तैयार करने के लिए। अब जो एक और मेन चीज़ हमें चाहिए वो है मूंगफली। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेंगे। तो करीबन 3 या 4 मुट्ठी आप मूंगफली ले लीजिएगा, और इसे हमें भून लेना है। भूनना इस तरीके से है कि ऊपर जो इसके मूंगफली के परत लगी रहती है ना ब्राउन कलर की, वो हट जानी चाहिए बिल्कुल ही, हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम डाल देंगे ना अपनी डिशेज़ में तो डिशेज़ का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो सफ़ेद पर नहीं आ पाता है आपकी डिशेज़ में। और साबूदाना हमारे कितनी अच्छी तरीके से फूल गए हैं, बिल्कुल अगर मैं हाथ में भी ले रही हूँ ना, हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, एक एक दाना बिल्कुल नीचे गिर गया है। बस आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आपने गीला गीला मॉइस्ट पकड़ा हुआ है, गीला गीला भी नहीं लगेगा। साबूदाना हमारा फूल चुका है, अब रेडी है बाकी चीज़ें बनाने के लिए। यहाँ पर अभी मैं शक्करकंदी
भी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि इस शकरकंदी के हम बनाने वाले हैं शकरकंदी चाट। और लिटरली मम्मी को ना ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मम्मी को शकरकंदी वैसे भी बहुत पसंद है और ये चाट तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आलू भी मैंने कट कर लिया है, क्योंकि ये आलू हमें चाहिए थे साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए। तो साबूदाना की खिचड़ी में ना मैं इस तरीके से उबले हुए आलू को कट करके डालती हूँ, तो दिखने में अच्छे लगते हैं। साइड बाई साइड याद रखिएगा कि मूंगफली भुन रही है, उसे आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो जल जाएगी। अब मूंगफली भुन गई थी तो मैंने क्या किया, एक कपड़ा ले लिया, मसलिन क्लोथ, आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, एक टाल भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखिए वो किचन में यूज़ करने लायक हो, फ्रेश होनी चाहिए। अब इसमें मैंने मूंगफली डाल के ना थोड़ा सा फटक लिया था और थोड़ा घिस लिया था, ताकि ऊपर की जो लेयर है वो हट जाए। और अब इसे हम छान लेंगे, ताकि जितना भी उसमें उड़ाने लायक चीज़ें हैं वो छन के नीचे गिर जाए और हमारी मूंगफली बिना छिलके वाली तैयार हो जाए। ये देखिए, बिना छिलके वाली रोस्टेड मूंगफली बिल्कुल रेडी है, इसका बहुत सारा काम आने वाला है। हाँ, और एक और चीज़ हमें चाहिए, मिर्च, क्योंकि और कोई मसाले तो हम इसमें डालने वाले नहीं हैं, तो मिर्च तो ज़रूर से चाहिए। चलिए, जो हमने मूंगफली रखी थी ना रोस्ट करके, उसे हम थोड़ा पीस लेंगे, क्योंकि हल्की दरदरी पीसी हुई मूंगफली बहुत अच्छी लगती है साबूदाने की खिचड़ी में। अब मैं यहाँ पर दो बाउल ले रही हूँ, और जो हमने साबूदाने भिगोए हैं ना, उसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, एक में ज़्यादा रखेंगे एक में कम। ऐसा कि एक बाउल में ना मैं एक कप भीगे हुए साबूदाने ले रही हूँ, और इसमें हम बनाएंगे साबूदाने के वड़े। लेकिन ये हम तलेंगे नहीं, ये वड़े देखते जाइए कैसे बनाएंगे, बिल्कुल गोल गोल सुंदर सुंदर बनेंगे। तो उसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, एक या दो आलू डाल दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है। लेकिन एक चीज़ तो हम भूल गए, जो हमने मूंगफली पीस के रखी है ना, वो भी इसमें हम डाल देंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, फिर उसकी हेल्प से इसके गोल गोल आपको लड्डू जैसे बना लेने, नमकीन लड्डू ही समझ लीजिए। चलिए, ये हमारे साबूदाने वड़े सारे ही मैं बना चुकी हूँ, अब बस इन्हें सेकना बाकी है। लेकिन उसे सेकने से पहले हम यहाँ पर साबूदाना खिचड़ी बनाने रख देते, क्योंकि उसे भी बनने में हल्का सा टाइम लगेगा। तो कढ़ाई में बस मैंने थोड़ा घी ले लिया है, घी जब गर्म हो जाएगा तो बस वही सारी चीज़ें, हरी मिर्च डाल दी है, साथ में कटे हुए आलू इसमें मैं डालूँगी, हल्का सा आलू को रोस्ट करेंगे, फिर इसमें सारे ही साबूदाने डाल देंगे, साथ में कुटी हुई मूंगफली भी डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर ना मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि फलाहारी थाली है। बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फाइनली ऊपर से डाल देंगे हम नींबू का रस। ऐसा करने से आपके साबूदाने चिपकते नहीं हैं और अच्छा स्वाद भी आता है साबूदाने में। अब ढक कर रखेंगे मीडियम फ्लेम में करीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद इसे हम वापस से चेक करेंगे। चलिए भाई, इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं तो साथ में एक चटनी तो कुछ चाहिए ना, तो बस उसी मूंगफली की हम चटनी बनाएंगे। थोड़ी सी मूंगफली में मैंने थोड़ा नमक डाला है, हरी मिर्च डाली है और नींबू का रस डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल पीस लेंगे। हल्का दरदरा आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महीन पीसेंगे तो बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। चलिए, चटनी भी मैंने पीस ली है, और ये देखिए, मैंने आपसे बोला था 5 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। बढ़िया लग रही है ना आपकी खिचड़ी, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग खिला खिला है हमारी ये साबूदाने की खिचड़ी का। अब इसे हम वापस से ढक के रख देंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और जब खाना होगा तो इसे हम सर्व करेंगे। चलिए, साबूदाने की खिचड़ी तो हो चुकी है, अब हम बना लेते हैं अपने अप्पे। अप्पे मतलब साबूदाने के वड़े। तो अप्पम पैन ले लिया है, थोड़ा सा घी सब में डालेंगे और सब में ये हम डाल देंगे सारी कैविटीज़ में अपने साबूदाने वड़े, और इसे हम ढक कर सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और फिर इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। और जब तक हमारे वड़े हो रहे हैं, तब तक चलिए अपनी हम शकरकंदी की चाट भी बना लेते हैं। तो फिर से थोड़ा सा 1 चम्मच घी ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, और फिर इसमें हम डाल देंगे कटे हुए शकरकंदी, साथ में जाएगा नमक, और खटास के लिए जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस। और ये शकरकंदी की चाट बहुत टेस्टी लगती है, एक बारी तो ट्राई करना बनता ही बनता है। बस सारी चीज़ों को मिक्स करिए और ये रेडी है।
बिल्कुल, मतलब 2 मिनट से ज्यादा का समय भी नहीं लगा है शकरकंदी की चाट बनाने में। चलिए देख लेते हैं हमारे साबुदाने वड़े का क्या हाल है, क्योंकि ये जलने नहीं चाहिए। और थोड़ा सा लाइट हाथों से इसे टर्न कीजिएगा, क्योंकि आलू और साबुदाना है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है, ये याद रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर थोड़ा सा घी कम है, तो थोड़ा घी अपनी श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं। कम घी में बनाना है, ज़्यादा घी में बनाना है, आपकी मर्जी है। ये बिल्कुल कम घी में भी बन सकते हैं, और आपका अगर इच्छा हो तो ज़्यादा घी में भी बना लीजिए। चलिए यहाँ पर जो हमने लपसी बनाई थी वो सेट हो गई है। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। एक बिल्कुल फाइन नाइफ लीजिएगा, फिर इसे कट कीजिएगा। देखिए क्या इंडिकेशन है आपकी ये लपसी अच्छी बनी है। इसे हम कट कर रहे हैं ना, तो चाकू में चिपक नहीं रही है आपकी लपसी, मतलब बिल्कुल अच्छी है। बस इसे मैंने कट कर लिया, और ये देखिए पीछे से भी देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल ये सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, हाथ में पकड़े तो जेली जैसी लगती है। और ये व्रत में खाई जाती है और बहुत अच्छी लगती है। इसे ना दूध के साथ भी खाया जाता है, दूध में मिक्स कर लीजिए, मैश कर लीजिए, फिर खाइए। और ये जो दूध है बहुत यम्मी लगता है, एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए फाइनली टाइम भी हो गया है, तो हम अपनी साबुदाने की खिचड़ी की भी प्लेटिंग कर लेते हैं। एकदम खिला खिला दाना, एक भी दाना चिपका नहीं है, बिल्कुल मोती जैसा अलग अलग है। एक बारी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, यम्मी लग रही है ना ऑलरेडी। और ये देखिए, मतलब बिना झंझट वाला हमारी थाली का स्टार शकरकंदी चाट। और कितने प्यारे लग रहे हैं, सोने सोने गोल मोल। आए हाय, साबुदाने वड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप चाहे तो साबुदाने वड़े को ना घी या तेल में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपम पैन में बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस अब लगा ली है मैंने अपनी थाली शकरकंदी चाट, साबुदाने की खिचड़ी, लपसी, और लपसी के साथ हमें चाहिए दूध, साथ में चटनी और हमारे गोलू मोलू साबुदाने वड़े। कैसी लग रही है ये व्रत की थाली, जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो भगवान जी को भोग लगा देते हैं, एकादशी का व्रत है, सारी ही फलाहारी चीजें हैं, तो व्रत लगाना तो बनता है कान्हा जी को। और कान्हा जी को लगा रहे हैं तो तुलसी का भोग तो लगेगा ही लगेगा। चलिए अब मम्मी भी बैठ गई है खाना खाने के लिए, और थाली में तो था बहुत सारा, मम्मी इतना अकेले नहीं खा पाएंगी, तो बस मैं भी बैठ गई थी मम्मी का साथ देने के लिए। मम्मी कभी भी अकेले नहीं खाती खाना। कैसी लगी आपको व्रत की थाली, ये ज़रूर बताइएगा। और आप क्या बनाते हैं व्रत में, ये भी बताइएगा। एंजॉय।